खुराई आइडियल सिंगिंग प्रतियोगिता महाकाली प्रांगण में संपन्न हुई। मुख्य अतिथि मंत्री प्रतिनिधि लखन सिंह ठाकुर रहे। मां सरस्वती के पूजन अर्चन के साथ प्रतियोगिता शुरू हुई। खुराई में पहली बार हुई सिंगिंग प्रतियोगिता से संगीत प्रेमियों में खुशी की लहर है। जहां नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर ने एक मंच दिया, संगीत कला प्रेमियों को मौका मिल सका। जो महिलाएं संगीत से जुड़ी थी आज गृहिणी है, उन्हें घर से निकलकर प्रतिभा को दिखाने का मौका नहीं मिला, लेकिन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी ने खुराई आइडियल सिंगिंग का ऐसा मंच दिया जहाँ हर वर्ग के लोगों को अपनी छुपी प्रतिभा को निखारने का अवसर दिया। साथ ही प्रतिभाओं का सम्मान किया और उन्हें पुरस्कार प्रदान भी किए। प्रथम स्थान पाकर खुराई आइडियल बने आकाश राजवंशी ने और उन्हें 51,000 रुपए का पुरस्कार दिया। द्वितीय स्थान पर रही रिद्धि जैन जिन्हें 21,000 रुपए 31,000 रुपए का नगद पुरस्कार मिला। तृतीय स्थान पर सुप्रिया सोनी जिन्हें 21,000 रुपए का पुरस्कार दिया। चतुर्थ स्थान पर रहे शुभ चौबे इन्हें 11,000 रुपए का पुरस्कार दिया। पांचवा पुरस्कार 5,000 रुपए शुभम साहू को मिला है। सभी प्रतिभागियों ने अपने अपने गीतों से समा बांधा और लोग थिरकते नजर आए। मतलब अपनी फैमिली को शुक्रिया करना चाहूँगा, अपने दोस्तों को और भूपेन भैया जी को जिन्होंने मतलब ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है, जिससे मतलब अब लोगों को अवेयर हुआ, लोग करेंगे अब परफॉर्म, आगे जो अगला होगा ना उसमें और लोग आएंगे और बहुत अच्छा अच्छा गाएंगे, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। कैसे आपको इंस्पिरेशन कैसे मिले कि आपको टॉप पर जाना है? आपका गाना भी सुबह सुबह प्रतिदिन जो है जो कचरे गाली शहर में घूमते उस पर गाना भी आपका चलता है, आपका इंस्पिरेशन क्या है जो इस मुकाम तक आज पहुँचे? इंस्पिरेशन सभी लोग हैं, सभी आसपास जो भी मेहनत कर रहा है वो सब मेरे इंस्पिरेशन है। जी, किसको आइडियल मानते हैं आप? आइडियल गायकी के क्षेत्र में, गायकी के क्षेत्र में मेरे गुरु हैं जिनसे मैं सीखा हूँ, इंदौर में रिद्धि जैन। ओके रिद्धि, आपका सॉन्ग मैं सुन रहा था, देख रहा था, जितने भी लोग थे वो सब उनके पैर जो है वो डकमगा रहे थे, थिरक रहे थे, कैसा लगा आज आप जो यहाँ पर सेकंड आए हुए, सेकंड प्राइस टॉप 5 सेकंड आए? मुझे बहुत अच्छा लगा और सबसे पहली बात तो खुरई शहर में ये सब होना बहुत बड़ी बात है, पहली बार हो रहा है और ये होना चाहिए था, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी, बच्चे बहुत अच्छे अच्छे हैं, मुझे बहुत खुशी है, बहुत थैंक यू भूपेंद्र अंकल को कि उन्होंने इतना अच्छा शुरुआत करी और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपका सॉन्ग जब आप गा रहे थे, जब मैं देख रहा था पूरी पब्लिक झूम रही थी, एक लाइन आप हमारे चैनल के माइक पर जो आपने सॉन्ग गाया था उसकी एक लाइन। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आँखों ही आँखों में यारों का दिल खो जाता है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आप अपना आइडियल किसे मानते हैं? मैं एक्चुअली अगर सिंगर्स में देखूं तो सुनिधि चौहान है, के सर है, और मैं बहुत बड़ा थैंक यू करूंगी मेरे गुरु का, यश गोपाल श्रीवास्तव जी का। गुरुओं का साथ हो तो सब कुछ पॉसिबल है। भूपेंद्र सिंह जी के लिए क्या कहेंगे जिनके तत्वावधान में ये आयोजन इतना बड़ा कार्यक्रम किया गया? कहने की जरूरत ही नहीं है, बहुत अच्छी पहल करी है और मैं चाहती हूँ हमेशा ऐसा होता रहे, बच्चों को मौका मिले आगे बढ़े और ये फंक्शन होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। बहुत बहुत थैंक यू है भूपेंद्र अंकल को कि हमने इतना अच्छा शुरुआत किया है। इस पूरे प्रोग्राम का आपने संचालन किया और कैसा लगा? सबसे पहले तो संक्षेप में आपसे हम जानना चाहेंगे आपका अनुभव कैसा रहा? ये अनुभव ऐसा रहा, हम लोग बरसों से इस तपस्या में लगे हैं लेकिन मंच लेने के लिए हमको बाहर जाना पड़ता था। खुरई विधानसभा में जो भी कार्य हो रहे हैं अब तो असंभव से भी संभव, हम लोगों को कोई ऐसा सपना नहीं लगता कि पूरा नहीं होगा भूपेंद्र भैया की वजह से। आज जो टॉप 5 कंटेस्टेंट्स रहे उनके क्या नाम, कौन कौन रहे, कहाँ से? ये टॉप 5 में सारे आपको बता दें खुरई विधानसभा से ही हैं, जैसे कि हमारे आकाश राजवंशी है जो खुरई से अभी इंदौर में पढ़ाई कर रहे हैं और संगीत का उन्होंने गाना भी बनाया है, वो 51,000 रुपये प्रथम पुरस्कार उनको दिया गया है, इंडिया वो खुरई आइडल वही कहलाए। दूसरा जो पुरस्कार है वो हमारी रिद्धि जैन है, खुरई की बिटिया है, बहुत काफ़ी मेहनत कर रही थी, कहती थी सर हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिला, तो यहाँ पर भूपेंद्र भैया ने उसको भी 31,000 रुपये द्वितीय पुरस्कार। तृतीय पुरस्कार जो है सुप्रिया सोनी, बहुत अच्छी कलाकार हैं और टी सीरीज में भी वो गाती हैं, आज उनके सुर थोड़े रह गए, कभी कभी ईश्वर का ऐसा कुछ रहता है तो वो वातावरण नहीं बन पाया और कुछ डिस्टरबेंस रहा, शॉर्ट सर्किट हो गया और तीसरे स्थान पे आई। और चौथे स्थान पे हमारे शुभ चौबे हैं जो माल्थोन, क्योंकि पूरी विधानसभा के लिए था ये खुरई के लिए। पांचवें स्थान पर सत्यम साहू है बरोदिया कला, उसने कभी नहीं सोचा था, उसने कहा
मंच से कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना बड़े मंच पे आकर इंडियन आइडल जैसा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म प्राप्त करूंगा। भूपेंद्र भैया को बहुत धन्यवाद दिया उसने। नगरीय प्रशासन मंत्री जी की तत्वावधान में एक कार्यक्रम किया गया, तो अगली बार क्या इससे बड़ा महोत्सव आयोजन का ऐसा कुछ प्लान है? बिल्कुल, हम लोगों ने आज इस पूरे 5 सालों का जो एक अंतिम दिन था, कल से आचार संहिता लग सकती है, यानी फिर से जो हम नई पारी शुरू करेंगे तो उसमें निश्चित रूप से यह कार्यक्रम लगभग दुगना बड़ा होगा। धीरे धीरे और बढ़ते जाएंगे। बहुत बहुत